मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद के कई गांवों में ग्रामीणों जनसभाओं को संबोधित किया। कार्यक्रमों के दौरान नारनौंद हल्के में सैकड़ों परिवार हुए भाजपा में शामिल। वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और लोगों को निर्णय लेना होगा कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो। अपना विधायक चुनते समय इन बीते 5 सालों में मेरे द्वारा करवाए गए विकास कार्यों पर नजर डालते हुए यह विचार कर लेना है कि हल्के का और यहाँ के लोगों का असली भला कौन कर सकता है। मैं जनता की अदालत में अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने की दरख्वास्त लगाता हूँ। दोबारा विधायक बनकर विकास कार्यों का ककाटा ढा दूंगा। कैप्टन अभिमन्यु ने यह बात आज नारनौंद हल्के के गाँव कोतकला नाड़ा तथा खेड़ी चोपटा में आयोजित ग्रामीण जनसभाओं के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान विभिन्न गांवों के सैकड़ों परिवारों के अन्य पार्टियां छोड़कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने इन्हें पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई और इन्हें भरोसा दिलवाया कि उन्हें पार्टी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विकास के मामले में मैंने हल्के के किसी गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज हल्के के हर गांव में कई कई विकास परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने जिन उम्मीदों व विश्वास के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि चुना था उनसे कहीं आगे बढ़कर मैंने हल्के की सेवा की है। यदि लोगों को वर्तमान सरकार का काम पसंद आया हो और मुझ पर विश्वास हो तो 2 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से अपनी सेवा करने का मौका देना ताकि जो काम और बड़ी परियोजनाएं मैंने नारनौंद वासियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए सोच रखी है उन्हें सफलता के साथ सिरे चढ़ा सकूं। जब हमने रोहतक रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा किए गए वादों पर पूछा तो कैप्टन अभिमन्यु ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वार करते हुए कहा कि लोकसभा के चुनाव में पिता व पुत्र दोनों हार गए। अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई देख करके कांग्रेस पार्टी को लगातार ब्लैकमेल करते रहे हैं। इन्होंने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर लाठी मारने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने CLP लीडर को अपना नेता तक स्वीकार नहीं किया। वह प्रयासरत है कि उनकी एक आधी सीट निकल आई, परंतु हरियाणा की जनता उनकी सच्चाई को जानती है। हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में उनकी लूट खसोट और उनके भ्रष्टाचार को हरियाणा की जनता भली भांति जानती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला हुआ कारतूस है जिसको दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने पिंजौर से एक रथ यात्रा की शुरुआत की है। भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, वहीं भारत के कृषि एवं पंचायत राज विकास मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी और उत्तर प्रदेश के मंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और पूरी हरियाणा सरकार की कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिलकर के इस 2019 के चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत की। इस संकल्प के साथ कि हम फिर से हरियाणा प्रदेश में एक ईमानदार पारदर्शी सरकार लाने का काम करेंगे, हम फिर से हरियाणा में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर 5 साल हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस बार 75 पार इस लक्ष्य को लेकर के कि फिर एक बार मनोहर सरकार इस लक्ष्य को लेकर के आज एक प्रकार से चुनाव अभियान का श्री गणेश होता है। उसी कड़ी में पिंजौर से चल करके मैं सीधा अपने नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के जो गांव कोत और नाड़ा में आज यहां पर पहुंचा और हमारे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के नहीं बल्कि इलाके के बहुत ही सीनियर राजनीतिक हस्ती आदरणीय चौधरी रणधीर सिंह कोत जी और भाई शमशेर नाड़ा जी, इन्होंने अपना 30 साल का राजनीतिक अनुभव आज नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जोड़ने का संकल्प किया है और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। आप दोनों महानुभावों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से इस देश में जो अंत्योदय की राजनीति करती है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, भारत माता को 21वीं शताब्दी में फिर से परम वैभव प्राप्त कराने का संकल्प लेकर के जो काम करते हैं,
फिर से भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बने इस संकल्प को लेकर के काम करते हैं। आप दोनों ने उस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देने का फैसला किया है। आपके साथ में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, कई बड़े बड़े परिवार आज अपने दूसरे दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम इनका पार्टी में स्वागत करते हैं। पार्टी इनके आने से मजबूत हुई है और इनका मान सम्मान पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और ऊंचा हम रखने का काम करेंगे। और इन दोनों नेताओं के साथ मिलकर के हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले 5 साल में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर इसमें 4 चांद लगाने में अपनी भूमिका निभाएंगे और इनके साथ मिल करके इनसे सलाह करके और बेहतर विकास अपने क्षेत्र का करेंगे। लोकसभा के चुनाव में पिता और पुत्र दोनों हार गए। अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई देख करके कांग्रेस पार्टी को लगातार ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहे। अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको बना करके भेजा था, उस युवा दलित पूर्व सांसद के सर पर लाठी मारने का काम करते रहे। और वहीं अपनी जो CLP लीडर है उसको भी कभी विधानसभा के पटल पर नेता के तौर पर स्वीकार नहीं किया। जो लोग केवल मात्र अपने और अपने परिवार की राजनीति करने की सोच रखते हों, हरियाणा की जनता को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। वह अपनी जो खिसकी हुई राजनीतिक जमीन है ये इनके इन प्रकारण किसी प्रकार से एक आधी सीट उनके परिवार की निकल जाए इसके लिए वह सारे प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा की जनता उनकी सच्चाई को जानती है। 10 वर्षों के कार्यकाल में उनकी लूट और खसोट को और उनके भ्रष्टाचार को न केवल हरियाणा की जनता अच्छी तरह याद करती है बल्कि उन मामलों में आज वो जांच एजेंसियों ने उनको दोषी मान करके अदालत में उनको दोषी के तौर पर चार्जशीट तक दाखिल किया हुआ हो, जो लोग जमानत पर आए हुए हों, जो लोग सत्ता जाते ही हरियाणा को जलाने के लिए चल निकल पड़े हों, ऐसे लोगों को हरियाणा की जनता खारिज कर चुकी है। और ये काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये बातें जो आज वो कह रहे हैं, 10 साल सरकार में रहते हुए उन्होंने इसकी सोच भी उनके मन में नहीं थी। तो ऐसे लोगों से हरियाणा प्रदेश की जनता को कोई उम्मीद नहीं। ये चले हुए कारतूस हैं, अब दोबारा इनको हरियाणा की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।